प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े के संकल्प अनुसार ग्राम भाजपा अभियान अंतर्गत जिले में 770 ग्राम पंचायतों में ग्राम समिति की संरचना को पूरा करने के लिए जिले में 200 पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है। छोटे बड़े सभी 1567 गांव को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए ये सभी पदाधिकारी पूरे एक महीने तक गांव गांव अभियान पर रहने वाले हैं। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान सुधाकर कोड़े इनके द्वारा दी गई है। ये अभियान आज से शुरू किया जा रहा है और 24 दिसंबर 2023 तक चलेगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर वहाँ भाजपा अभियान का समापन किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन को अधिक मजबूत करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। जिले में कुल 2386 बूथ कमेटियों की संरचना पहले ही पूरी हो चुकी है और संगठन को और मजबूती देने के लिए इस अभियान की जरूरत है, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। गांव तिथे भाजपाचा अध्यक्ष निवड करण्यासाठी गांव तिथे भाजपा ही अभियान आम्ही त्या ठिकाणी निवडलेला आहे। प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये भारतीय जनता पार्टीची शाखा आहे, बूथ प्रमुख आहे, विस्तारक आहे, सर्व आहे, परंतु ग्रामपंचायतीला कधी कधी गट ग्रामपंचायतीमध्ये 4-4, 5-5 गावं जोडलेले आहे, मग त्या गावाचेही प्रश्न सोडवण्यासाठी आमचा भाजपचा एक प्रमुख कार्यकर्ता एक ठिकाणी अध्यक्ष म्हणून त्याला सन्मान मिळावा म्हणून प्रत्येक गावामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा अध्यक्ष त्या ठिकाणी करायचा आहे। याच्यात आनंदाची बाब ही आहे की माननीय प्रदेश अध्यक्षांपासून माझ्यापासून तर प्रत्येक नेता, सन्माननीय आमदार महोदय असेल, माजी आमदार महोदय असेल, महामंत्री असेल, आमचे निवडणूक प्रमुख असेल, आम्ही सर्वजण प्रत्येकजण किमान 5 गावामध्ये जाऊन त्या गावामध्ये सभा घेऊन आणि आम सहमतीने भारतीय जनता पार्टीचा अध्यक्ष, युवा मोर्चाचा अध्यक्ष आणि महिला आघाडीचा अध्यक्ष आणि विविध मोर्चांचे अध्यक्षांची त्या ठिकाणी निवड करणार आहे। या ठिकाणी जवळपास 1566 गावात जाऊन भारतीय जनता पार्टीचा अध्यक्षाची निवड 24 डिसेंबरपर्यंत आम्ही सर्व लोक त्या ठिकाणी करणार आहोत आणि गाव तिथे भाजपा अभियानात नागपूर जिल्ह्यातले प्रमुख 200 प्रमुख पदाधिकारी माननीय चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेबापासून तर आमच्या कार्यकारिणीतले प्रमुख असे आम्ही 200 पदाधिकारी एक महिन्याच्या जवळपास 1566 गावात जाऊन आणि गाव तिथे भाजपा हे अभियान आम्ही राबवणार आहोत। याचा समारोप 24 डिसेंबरला होणार आहे। सध्या अटलजी यांची 25 डिसेंबरला त्या ठिकाणी जन्मदिवस सोहळा आहे, त्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने आणि त्या विधानसभा क्षेत्रवाईज कार्यक्रम घेऊन या सर्व अध्यक्षांचा सन्मान करावा आणि सुशासन दिन, सुसंघटन दिन म्हणून याला पुढे न्यावं। इस अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े चिचोली, पोटा, चनकापुर और हिंगना विधानसभा क्षेत्र के दौला मिट्टी 3 ग्राम पंचायतों चिचोली, सावने तालुका के पोटा चनकापुर और हिंगना विधानसभा के दौला मिट्टी, ये तीनों ग्राम पंचायतों में बैठक कर ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष एवं ग्राम समिति की घोषणा करेंगे। जिलाध्यक्ष के तौर पर सुधाकर कोड़े सावने तहसील के केवर, पाटन सावंगी, वागुड़ा तो वही कलमेश्वर तहसील के गोनखैरी व थापेवाड़ा, इन ग्राम पंचायतों और इसके अंतर्गत आने वाले गांव में ग्राम समिति का चयन बैठक के माध्यम से किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।